अब रुख कुछ राजनीतिक खबरों का करते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के साथ मोदी ने रिटायरमेंट प्लान लागू कर दिया। आडवाणी और जोशी संसदीय बोर्ड में नहीं रहे। रिटायरमेंट प्लान के तहत मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आडवाणी और जोशी भी हैं। सूरज परछाई से हारा 40-45 कहते थे। तो ये वो चेहरे जो त्रिमूर्ति माने जाते थे एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में, उनको लगभग किनारा लगा दिया गया है इस नई सरकार के आने के बाद। मार्गदर्शक मंडल जो अब तक नहीं हुआ करता था, उसका गठन हुआ। बाकायदा गठन के बाद उसमें इन्हें डाल दिया गया, यानी कम से कम सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करने की एक पहल, इसे कह रहे हैं जानकार। हरी दुपहरी में अधियारा। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी तबीयत बहुत खराब है, वो वैसे भी अब सक्रिय नहीं है, लेकिन अटल जी के बाद आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी माना जा रहा है। इन दोनों को मार्गदर्शन मंडल में डाल के लगभग सक्रिय राजनीति से अलग करने की एक कोशिश। को अध्यक्ष शुरू हो रहा है बीजेपी का नया दौर, जिसका खाका तैयार किया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। पुनर्गठन के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड से पार्टी की पहचान बन चुके पुराने चेहरे विदा हो चुके हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को संसदीय बोर्ड से बाहर रखा गया है। अब देखिए उस टीम की रूपरेखा जो अब पार्टी के तमाम छोटे बड़े फैसले किया करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। संसदीय बोर्ड में अमित शाह के अलावा खुद नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार और थावरचंद गहलोत हैं। पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी शामिल किया गया है। जेपी नड्डा और रामलाल भी संसदीय बोर्ड में हैं। नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखते वक्त भावुक हो उठे आडवाणी, और तब अपने भाषण के दौरान मोदी की भी आंखें नम हो गई थी। शायद इस बेहद भावुक हो चले रिश्ते की भावभीनी विदाई के लिए मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया है। इसके 5 सदस्यों में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आडवाणी और जोशी का नाम है। वैसे मोदी और राजनाथ भी इसमें सदस्य होंगे। आज जो मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जिसके अंदर आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से पार्टी जो भी दलील दे, तय है कि वरिष्ठ नेताओं के रिटायरमेंट के प्लान को लागू करने के बाद पार्टी अब मोदी मार्ग पर चल पड़ी है। मार्गदर्शक मंडल का भविष्य कौन जाने। अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, बीजेपी की बस 3 धरोहर, ये नारा अब इतिहास बन चुका है और नया इतिहास नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, और ये पूरे परिवार को अब भली भांति समझ में आ गया होगा। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।